किसानों में तराहिमाम मचा हुआ है, खेती नहीं हो पा रही है, धान के बिचरा सब सूख रहा है, किसान लोग 200 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से पानी पटा रहे हैं, फिर भी धान की बीज तैयार नहीं हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रोल टाइम्स न्यूज़, मैं हूँ रामनाथ विद्रोही। दोस्तों, वर्षा के अभाव में धान की खेती सहित साग सब्जी की खेती भी चौपट हो गई है। लोग 200 रुपए घंटा महंगा पानी खरीद कर बीज तो गिरा रहे हैं, लेकिन वह दूसरे दिन ही सूख जाता है। लोगों को परेशानी है कि महंगा खाद बीज लेकर वह बिचड़े गिरा रहे हैं, जो गर्मी और धूप के कारण सूख जाता है। वर्षा के अभाव के कारण किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों में बेचैनी है कि इस साल धान की खेती नहीं हो पाएगी, इसका नतीजा होगा कि धान का उत्पादन बहुत कम होगा और लोग भुखमरी की ओर बढ़ेंगे। यह स्थिति आप जो देख रहे हैं वो ग्रोल प्रखंड के लोधीपुर गांव की बिचरा का स्थिति है, जो प्रति दूसरे दिन 200 रुपये घंटा पानी खरीद कर पटाना पड़ता है। तीसरे दिन यह स्थिति हो जाती है, दरार पड़ जाती है, बिचरा सूख जाता है, लोग परेशान हैं कि क्या करें। इधर वर्षा नहीं होने से साग सब्जी और अन्य फसलों को काफ़ी क्षति पहुंचा है, किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। किसान सरकार से मुआवजा की मांग कर रहे हैं। नहीं होने से क्या परेशानी है किसानों को? बारिश नहीं होने से किसानों में तराहिमाम मचा हुआ है, खेती नहीं हो पा रही है, धान के बिचरा सब सूख रहा है, किसान लोग 200 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से पानी पटा रहे हैं, फिर भी धान की बीज तैयार नहीं हो रही है, इस पे सरकार की कोई ध्यान बात नहीं है। आप क्या चाहते हैं, सरकार कुछ मदद करे किसानों को? हाँ, सरकार किसानों को मदद करे। आपका नाम? विकास कुमार। घर? घर लोधीपुर, पोस्ट ग्रोल, थाना ग्रोल, जिला वैशाली।